आगर बात करें तो माया नगरी मुंबई ने बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना द्वारा धमकी આપવામાં આવી હતી, જેને લઈને गृह मंत्रालय तरफ अभिनेत्री ने वाई कैटेगरी सुरक्षा આપવામાં આવી છે। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना द्वारा धमकी આપવામાં આવી હતી, જેને લઈને गृह मंत्रालय तरफथी अभिनेत्रीने वाई कैटेगरीની सुरक्षा આપવામાં આવી છે। शिवसेना द्वारा અપાયેલી धमकी बाद दक्षिण गुजरात राष्ट्रीय करणी सैनिको પણ हरकतમાં આવી ગયા છે। આજરોજ दक्षिण गुजरात राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनाની सूरत, वलसाड, वापी અને દમણથી 50થી વધુ ગાડીઓમાં सूरत કરણીના अध्यक्ष प्रतापसिंह દહિયા ना नेतृत्व हेठळ आश्रे 300 थी वधु करणी सेनाना सभ्यो आज रोज मुंबई जवा माटे रवाना थया हता। करणी सेनाना सभ्यो मुंबई पहुंची मुंबई एरपोर्ट थी कंगना रनौत ने तेमना घर सुधी सुरक्षा आपवा माटे रवाना थया हता। केयूर मिस्त्री ZSTV वलसाड। करणी सेना के दक्षिण गुजरात से 50 से 60 गाड़ी जा रही है, जिसके अंदर 150 से 200 भाई हमारे हैं और आगे मुंबई से भी हमारी टीम खड़ी है। कुछ करणी सेना हमने पहले रात को भेज दिया था, क्योंकि हमें मालूम चला कि BMC वाले हमको रोकने वाले हैं, तो हमने कुछ को सुबह अर्ली मॉर्निंग भेज दिया है, किसी को रात को भेज दिया, अलग अलग विस्तार से हमने भेज दिया। हमारी प्लानिंग के साथ में हमको अलग अलग विस्तार से भेज दिया गया है। और वहाँ मुंबई जाके हम लोग जो कंगना रनौत जी आ रही हैं और 2:30-3 बजे उनका लैंडिंग है, तो वहाँ से टर्मिनल से उनको लेके और उनको घर तक प्रोटेक्शन के साथ में करणी सेना के प्रोटेक्शन के साथ में उनको घर तक हम लोग छोड़ने जाएंगे। अगर जो यहाँ से गुजरात से जो अध्यक्ष और सब जा रहे हैं उनको BMC अगर जो अटकाएगी तो करणी सेना की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर BMC वाले अगर करणी सेना के किसी भी पदाधिकारी है, किसी भी करणी सैनिक के ऊपर हाथ डालेगा, तो उसके लिए भी हमने रणनीति बनाई हुई है। हमारे जो महाराष्ट्र की जो करणी सेना है, पूरी करणी सेना जन आंदोलन में लग जाएगी, पूरे रास्ते जाम कर देगी और फिर उसकी पूरी जो जितनी भी जिम्मेदारी है वहाँ की सरकार की होगी। तो इसकी गलती शिवसेना वाला ना करे तो अच्छा है उनके लिए। मुंबई के महाराष्ट्र के CM जो सरकार है, जो शिव सैनिक है, उन्होंने कंगना रनौत का विरोध किया हुआ है। जो संजय राउत है उन्होंने विरोध किया हुआ है, उनको बुलाने के लिए मना किया हुआ है कंगना रनौत को। आज कंगना रनौत आएगी वहाँ पे सुरक्षा करणी सेना देने जा रही है, क्या कहोगे? पहले तो मैं शिवसेना वालों को भी बोलना चाहूँगा और शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं संजय राउत उसको भी बोलना चाहूँगा कि मुंबई किसी की जागीरी नहीं है। ठीक है, मुंबई हमारे दादा और परदादा ने बसाया है, क्षत्रियों ने बसाया है, शिवाजी महाराज ने बसाया है, वो किसी की जागीरी नहीं है और लोकतंत्र का देश है ये। लोकतंत्र देश में किसी को भी रोकने की किसी की ताकत नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। तो उन्होंने ये अगर ये बयान दिया है तो बहुत गलत बयान दिया है। एक उच्च नेतृत्व की पार्टी में बैठ के अगर इस तरह से बयान देते हैं तो शायद उनकी मानसिकता हमें पता चलती है कि एक तुच्छ मानसिकता वाले वो लोग हैं जो ऐसी मानसिकता के साथ में ऐसी बात करते हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो गलत है। मैं के लिए निंदा करता हूं, पूरी कंडीशन निंदा करती है और बताना चाहती है कि आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी मानसिकता वाले कभी सत्ता नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसी मानसिकता घटिया मानसिकता वाले कभी सत्ता चला ही नहीं सकते। और दूसरा एक बार बोलूँगा, संजय राउत ने हमारे गुजरात के अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोला है। मैं संजय राउत को बोलना चाहूँगा कि आप जो गुजरात की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, महाराष्ट्र की धरती शिवाजी की धरती है, और ऐसी पुण्य धरती को अगर आप दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये मुझे षड्यंत्र में साजिश की बू आती है, दंगा फैलाने की साजिश की बू आती है। जो सोनिया सरकार बोलूँगा मैं, अभी जो शिवसेना सरकार नहीं बची है, जो बाला साहब ठाकरे थे सब शिवसेना सरकार थी, हम उनकी रेस्पेक्ट इज्जत आज भी करते थे, पर अभी हम उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उसका रीज़न ये हो गया कि आज सोनिया सरकार हो गई, खिचड़ी बनी हुई है सोनिया सरकार की। उसकी जो सरकार है वहाँ पे मुझे षड्यंत्र की बू आती है कि अपनी वो राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए शायद गुजरात में महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा प्रयत्न ना करें। आपकी ये जो प्रयत्न है हमें